जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। सिधौली शहर के साथ साथ आसपास के अनगिनत लोगों को पिछले कई वर्षों से सेवाएं देने वाले पुराने सरदार जी का नया ढाबा अब आप लोगों के सामने नए अंदाज में आ चुका है। सरदार जी के नए ढाबे में आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने, बैठने के लिए सुंदर, साफ, सुरक्षित व वातानुकूलित वातावरण। पुराने वाले सरदार जी का नया ढाबा बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब आ चुका है आपके सामने। बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब खुल चुका है सिधौली कस्बे के नेशनल हाईवे पर काली माता मंदिर के पास। यहां आपको मिलेंगे साउथ इंडियन, चाइनीज, पंजाबी, हरियाणवी व्यंजनों के साथ साथ उत्तर भारत के सभी प्रकार के व्यंजन। इसी के साथ यहां आपको नाश्ते के साथ साथ मिलेंगे मिठाइयां व केक। यहां आप सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम जैसे किटी पार्टी, मुंडन पार्टी, बर्थडे पार्टी इत्यादि भी स्वच्छ माहौल में परिवार के साथ मना सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जल्द ही पहुँचे बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जिसके प्रोपराइटर हैं सतपाल सिंह उर्फ पप्पू सरदार व अनमोल सिंह बग्गा। सीएम योगी की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। सड़क निर्माण में मानकों को ताक पर रखकर काम किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आम लोगों ने इस काम का जमकर विरोध किया है, किंतु जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नतीजा यह है कि लाखों रुपए खर्च कर लोगों को आराम देने व आवागमन को सुगमतापूर्ण बनाने के लिए सरकार ने जिस इंटरलॉकिंग सड़क की मंजूरी दी थी, वह सड़क इन दिनों पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। सड़क निर्माण में नालियों में पुराने खड़ंजे की ईंटें लगाई गई हैं, जबकि सड़क के एस्टिमेट में नई अव्वल ईंटें लगाने का प्रावधान है। सड़क निर्माण में न सिर्फ पुरानी ईंटें लगाई गई, बल्कि जल निकासी का लेवल भी सही नहीं रखा गया। इंटरलॉकिंग पर सही से बालू तक नहीं डाली गई, जिसको लेकर स्थानीय सभासद अब कड़ा रोष प्रकट कर रहे हैं। बताते चलें कि जिला नगरी विकास अभिकरण सीतापुर के द्वारा नगर पंचायत सिधौली के मोहल्ला संत नगर पूर्वी में संत राम के मकान से नंदलाल के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा था, किंतु यह कार्य पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मानकों को ताक पर रखकर यहां काम किए गए हैं। जिला नगरी विकास अभिकरण ने जहां पर इंटरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य शुरू कराया था, वहां पहले खड़ंजा लगा हुआ था। विभाग ने सड़क निर्माण में लाखों रुपए का बजट दिया व एस्टिमेट बनाकर गुणवत्ता पूर्वक कार्य कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार को दी, किंतु ठेकेदार ने सारे मानकों को किनारे रखकर मनमाने तरीके से निर्माण कार्य शुरू कराया। पुरानी खड़ंजे में लगी ईंटें निकालकर नालियों की दीवार बना दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों का दावा है कि निर्माण कार्य में लगने वाली सीमेंट, मोरंग इत्यादि में भी लापरवाही बरती गई है। सड़क बनकर तैयार होने के बाद उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बोर्ड लगाया गया, पर नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के मंत्री एके शर्मा का भी बोर्ड लगा है, किंतु यह सड़क पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। सड़क निर्माण में जल निकासी के लेवल का भी ध्यान नहीं रखा गया। जल निकासी के कोई उचित प्रबंध न होने से आसपास के घरों में सड़क का पानी भर जाएगा। इंटरलॉकिंग सड़क पर बालू डलवाने का भी प्रावधान है, किंतु इस सड़क में कहीं बालू तक नहीं डलवाई गई। जिला नगरी विकास अभिकरण के जय मनसाराम वर्मा को मामले से अवगत कराया गया, तो जय मनसाराम वर्मा ने कहा कि जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई करवाई जाएगी। यदि पुरानी ईंटें लगी हैं तो वह हटवाई जाएंगी, किंतु शिकायत के 20 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अब विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सड़क निर्माण में जब पुरानी ईंटें लगाई जा रही थी, तब इसकी जानकारी विभाग के जेई को दी गई थी, किंतु विभाग के जेई ने पुरानी ईंटें हटवाना उचित नहीं समझा। यदि उच्च स्तरीय जांच की जाए तो अब भी पुरानी ईंटें इंटरलॉकिंग निर्माण में मिलेंगी। मोहल्ला प्रेम नगर के सभासद मनीष जायसवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व नगर विकास मंत्री एके शर्मा का बोर्ड लगाकर जिस सड़क का निर्माण किया गया है, वह सड़क पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। जल्द ही यह सड़क टूटकर जर्जर हो जाएगी।
जिससे सरकार की छवि खराब होगी। विभाग के जय मनसाराम वर्मा ने बताया कि संबंधित ठेकेदार को सड़क पर बालू डालने व जल निकासी के लेवल को बराबर करने के निर्देश दिए गए हैं। जब तक यह काम नहीं करेंगे तब तक ठेकेदार का भुगतान रोक दिया गया है, किंतु पुराने ईंटों को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब ठेकेदार खड़ंजे की पुराने ईंटें इंटरलॉकिंग व नाले निर्माण में लगा रहे थे, तब शिकायत के बाद भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने ठेकेदार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जब एस्टीमेट में नई ईंटें लगवाने का प्रावधान है तो ठेकेदार ने पुराने ईंटें क्यों लगवाई। सड़क निर्माण में लेवल को बराबर करने के लिए मिट्टी पटान भी कराया गया था बिना किसी सरकारी अनुमति के, व मिट्टी आखिर कहां से आई, यह बड़े सवाल लोगों के मन में उभर रहे हैं। नगर पंचायत सिधौली के मोहल्ला संत नगर पूर्वी में बनी यह सड़क पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, ऐसा सूत्रों का दावा है। यदि उच्च अधिकारी सही से इस सड़क की जांच करेंगे तो यह सड़क पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी नजर आएगी। लोग तो अब यहाँ तक कहने लगे हैं कि इस सड़क के ठेकेदार व विभाग के अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए भ्रष्टाचार वाली सड़कें बना रहे हैं। यह सड़क घटिया सामग्री लगने की वजह से जल्द ही क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जिससे सरकार व जनप्रतिनिधियों की छवि खराब होगी। अब देखना यह बाकी है कि विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देते हैं या नहीं। फिलहाल यह सड़क इन दिनों लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सिधौली से रामू शुक्ला, गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।